We're getting you some breaking news at this point in time. We're amid the Congress crying foul as far as the Election Commission and the EVMs are concerned. The Election Commission writes a letter to Mallikarjun Kharge. The Election Commission agrees to meet the Congress delegation, cites Jairam Ramesh's remarks. They say, and I quote, that they are not accepting result is not free speech. Election Commission also goes on to say that we will accept party chief position and accept unexpected results remarks. Well, that is the big breaking news I'll be getting you at this point in time. That is coming in from the Election Commission. My colleague Manoj continues to be with us. Manoj, reply kiya hai poll panel ne Mallikarjun Kharge ko. Unhone saaf taur se ye kaha hai ki ye kehna ke EVM ke saath gadbadi hui hai ya aap mandate ko nahi accept kar rahe hain, ye free speech नहीं कहलाया जा सकता। जी जी बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है। कल भी उन्होंने कहा था कि जो आपत्तियां जताई गई हैं कांग्रेस की तरफ से उनका कोई आधार नहीं है और जो मतगणना हुई है, जो तय प्रोसेस है, एक प्रक्रिया के तहत जो होती है, तमाम उसमें एहतियात बरती गई है, तमाम जो नियम है उनका पालन किया गया है, कहीं भी कोई लापरवाही नहीं है। इसलिए जो कांग्रेस के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वो सरासर गलत है। चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज कर रहा है। और जहां तक मैंडेट को ना मानने की बात है, तो ये भी काफी हैरान करता है कि जम्मू कश्मीर में भी नतीजे आए हैं, वहां पर भी इसी चुनाव आयोग ने चुनाव करवाए हैं, वोटिंग करवाई है, उसके बाद काउंटिंग हुई है, तो हरियाणा में क्यों इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर कांग्रेस के नेता सवाल जरूर उठा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर है। जी जी मनोज, हमारे साथ बने रहिए, कुछ और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और फिर हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे।